देखिए 11th साइंस मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से सेकंड चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें से एक्सरसाइज 2.1 में से हम थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उसमें से फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। यह इवैल्यूएट करने के लिए हमें चार्ट जो है वो चार्ट समझ में लेना जरूरी है। ओके, तो साइन 0, साइन यहां थीटा यहां, साइन 0 की वैल्यू क्या रहती है? 0, तो यहां आएगा 0 प्लस 2 * cos 0, cos यहां 0 1, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, प्लस 3 * sin pi / 2, sin यहां pi / 2 यहां कितनी है? 1 है, तो sin pi / 2 की वैल्यू 1 है, प्लस 4 * cos pi / 2, cos इधर pi / 2 इधर, cos pi / 2 की वैल्यू 0, प्लस 5 * sec थीटा। अभी sec थीटा तो मैंने टेबल में नहीं है, जगह कम है इसलिए मैंने इतना ही टेबल लिखा है। ओके, तो आपके बुक में आपको मिल सकते हैं sec थीटा की जो वैल्यू, सॉरी sec 0 की जो वैल्यू है वो sec 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ सकते है? 1 है, sec 0 की वैल्यू 1 रहती है, प्लस 6 * cosec pi / 2 * cosec pi / 2 की वैल्यू भी इस टेबल में नहीं है, आपके बुक में आप देख सकते हैं कि cosec pi / 2 की जो वैल्यू है वो हमें 1 मिल सकते है। ओके, इज इक्वल टू 0 प्लस 2 * 1 2 प्लस 3 * 1 3 4 * 0 0 5 * 1 5 6 * 1 6। ओके, तो अभी आएगा हमारे पास आंसर 2 प्लस 3 5 प्लस 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 हमारे पास कितना आया? 16। तो इस तरह से यह एग्जांपल जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है, बट यह टेबल जो है वो हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 4 cot 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो देखिए 4 * cot 45, इस टेबल में ये आउटपुट में देखिए cos 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू 1 है, माइनस sec स्क्वायर 60, तो sec 60 की वैल्यू इस टेबल में नहीं है, sec 60 की वैल्यू आपको बुक में मिलेगी, वह sec 60 की वैल्यू क्या है? 2 रहती है। ओके, तो यहां स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin यहां 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का यहां स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 * 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर आया हमारे पास 4 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहां 4 4 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 1/4। तो इस तरह से दो क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए टेबल जो है पूरा टेबल हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, तो यह एग्जांपल अपलोड करने वाले भी फ्यूचर में आप तक पहुंचे ऐसा आपको अगर लगता है तो अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।